नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे पास एक एप्सन का इंक टैंक प्रिंटर है L210। तो आज आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जो कि आप अपने घर में बैठे बैठे इसका मेंटेनेंस कर पाएँ, जो कि कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक इंक टैंक लगा हुआ है, जिससे कि आप बार बार रिफिल करवाने के चक्कर से बचते हैं। डायरेक्ट इंक खरीद कर आप इसमें डाल सकते हैं। चार कलर के होते हैं, ब्लैक, येलो, मैजेंटा एंड श्याम। ठीक है, और एक ये नोजल दिया होता है, जो कि आप कभी भी अगर प्रिंटर को कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ करके शिफ्ट कर लें, फिर ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो ये पाइप लगा हुआ है, पाइप के थ्रू जो डैम्पर असेंबली है, डैम्पर असेंबली में इंक इंक पहुंचता है। और इंक जैसे कि पुराने पुराने मॉडल्स में कार्ट्रिज लगती थी, उसी टाइप से ये डैम्पर असेंबली लगाई हुई है, वही वर्क करता है ये। बट इसमें पाइपिंग के थ्रू इंक जाता है और वो फिर हेड को सप्लाई करके जो हमारे प्रिंटआउट निकलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है कि कई बार लोग कहते हैं क्या कि एक कलर नहीं आ रहा, कभी येलो नहीं आ रहा, कभी ब्लैक नहीं आ रहा, कभी ब्लू नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में आप तो एक आप मैनुअल क्लीनिंग करके देख सकते हैं प्रिंटर के, जो कि सिस्टम के थ्रू होता है। आप सिस्टम के प्रॉपर्टीज में जाकर मेंटेनेंस पे आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको इंक फ्लश और क्लीनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उससे करके देख लें, अगर नहीं होता है तो फिर उसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि कैसे खुलता है और कैसे उसको क्लीन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी चीज़ें हैं, पिकअप कैसे चेंज होगा, वेस्टिंग पैड कैसे चेंज होगा, या फिर कैपिंग असेंबली कैसे चेंज होगी, और क्या क्या और ज़रूरी जो पार्ट्स हैं जिसको कि आपको सावधानी से, सफाई से आपको रखना पड़ेगा, वैसे कुछ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये स्कैनर असेंबली है, इसको अलग करेंगे। तो यहाँ एक स्क्रू लगा है, इसको खोल देते हैं, खोल कर इजीली ये बाहर आ। यहाँ एक केबल लगी है, केबल को हटा लिया और इसको रख दिया। सबसे पहले मैं हेड खोलने के लिए बताऊंगा कि हेड कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। एक ये छोटी स्क्रू लगी है, इसको खोल लेंगे। ये हमारी कैप हो गई और ये जो दिख रहा है ये डंपर असेंबली कहलाती है। इसी के अंदर इंक आकर रुकती है, जो कि हेड को सप्लाई होती है। देख पा रहे हैं आप, सारे कलर के हैं अलग अलग। और ये रही डंपर असेंबली, ब्लैक, येलो, मैजेंटा एंड सियान। ठीक है, सबसे पहले ये वाइट कवर को निकालेंगे। यह दो लॉक है, इसको हम दोनों साइड से अप कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा, ये एक इस साइड को लॉक है, इसको निकालेंगे, ये ऊपर की साइड को खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। ये हमारा हेड होता है, ये देख लीजिए, ये हेड है। इसमें तीन स्क्रू होते हैं, 1, 2 एंड 3, जो कि हमने पहले ही निकाल कर रखा हुआ है। आप इस स्क्रू को खोल करके आप इसको जस्ट बाहर निकाल सकते हैं। ये कनेक्टिंग केबल है, इसको अच्छे से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हेड होती है, इस पर कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ये चार इसमें नोजल्स हैं जिसके थ्रू ये इंक लेता है। ये हमारा प्रिंट हेड है, बहुत ही इजीली खुलता है, बहुत इजीली लगता है। आप अगर कभी अगर आपके सॉफ्टवेयर से क्लीन ना हो पाए तो आप खोल कर इसको सिर्फ इसकी क्लीनिंग करेंगे, और हो सके तो कोई हल्के सिरिंज से आप यहाँ से हल्का हल्का कोई प्रेशर दे पाएँ। यह ध्यान रखेंगे, इस कनेक्टर में कभी भी आपको कोई भी वाटर सोल्यूबल चीज़ें नहीं जानी चाहिए, इंक या फिर पानी, ऐसा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। अगर ये चला गया तो आपको ये हेड पूरी के पूरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये हेड हो गया हमारा। इसको लगाने का भी कोई बहुत ही ईजी तरीका है, आप आराम से इसको आप खुद से चाहें तो भी लगा सकते हैं।
कुछ नहीं करना है, जैसे हमने खोला वैसे लगा दिया। तीनों स्क्रू लगा देंगे यहाँ पे और केबल को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके ये कैपिंग लगा देंगे। ये कैप लगा देंगे और फिर से जैसे ये लगाना है कलर बाय कलर देख करके लगा कर आप इसको फिर से चालू कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हाँ, तो जैसे कि मैंने इसको फिर से पैक कर दिया है और अब मैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ। इसमें बहुत ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पेपर पिकअप की, कभी पेपर जाम या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इसमें दो चीज़ होते हैं, एक पेपर पिकअप रोलर होता है और एक सेपरेशन पैड होता है, वो आपको दोनों ही एक साथ चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है पिकअप रोलर जो कि मैं आपको, ये रहा जो कि मैं आपको अभी खोल कर दिखाऊँगा। इसको खोलने के लिए हमें ये पैनल खोलनी पड़ेगी, इस साइड की कवर खोलनी पड़ेगी, तभी ये पिकअप रोलर खुलता है। उसके लिए जो है सबसे पहले ये छोटी लॉक है, इसको निकाल लेंगे, हल्का पुश करेंगे बाहर आ जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इसके नीचे एक लीवर है, इसको अगर दबाएंगे तो ये कवर बाहर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है हमारी पिकअप रोलर, इसके लिए एक स्क्रू आपको यहाँ लगा होगा, हाँ एक स्क्रू लगा होता है, उसको खोलकर आप इसको लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे, ये लीवर निकल जाता है। ठीक है, और इसको प्रेस करते ये पिकअप रोलर है और इसको आप चेंज कर सकते हैं या फिर जैसा भी हो क्लीन करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे एक ये सेपरेशन पैड दिया हुआ है, इस सेपरेशन पैड के लिए प्रिंटर के नीचे जाना पड़ेगा। इसको पीछे घुमाएंगे, ये स्क्रू को खोल देंगे। ये स्क्रू से हमारी दो चीज़ों का काम हो जाएगा। एक तो हम इसमें वेस्ट इंक पैड होता है जिसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये एक वेस्ट इंक पैड है जो कि रिप्लेस करना होता है हर एक 4000 पेजेस के बाद। और ये है हमारा ये सेपरेशन पैड, दिस वन, इसको आराम से निकाल सकते हैं, ये स्प्रिंग है और ये बाहर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आराम से ये दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है या मार्केट में अवेलेबल होती है, बहुत ही सस्ती चीज़ है, इसको आप खुद से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लगाना भी बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल चेंज करके इसको लगा सकते हैं। अगर ये सेपरेशन ख़राब होगा तो पेपर आपकी अंदर नहीं जाएगी। और ये इसकी फॉर्मेटर बोर्ड होती है जो कि L210, 380, 360 सब में एक ही तरीके से लगती है, सिर्फ बायस की प्रोग्रामिंग डिफरेंट होती है। ये फ्लैटबेड केबल है जो कि स्कैनर केबल और आपकी हेड केबल दोनों साथ मिलते हैं। ये एनकोडर की केबल हो गई और ये हेड की केबल हो गई, दो मोटर लगते हैं इसमें, एक ये कैरेज की मोटर है और इस साइड को एक पेपर फीड की मोटर है। जैसे कि उधर से खोला था मैंने, वैसे ही इधर एक लीवर है, इसको दबाकर ये है यहाँ पे पेपर फिट की मोटर, ये पेपर फिट का मोटर है
और ये पेपर डिस्क इनकोडर है, पेपर डिस्क इनकोडर है। इससे प्रॉब्लम होती है कि आपके कभी कभी पेपर फास्ट भागने लगेगा या फिर इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो ये चेंज करना पड़ता है। और ये एक इनकोडर सेंसर है जो कि पेपर फीड को कंट्रोल करती है, ये वाली, तो उसको चेंज करना पड़ता है। ओके सर, और आपको कभी भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है घर में, कोई सर्विस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, आवाज़ कर रही है प्रिंटर, तो आप इस चीज़ को देखें, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जिसपे स्मूथली आपके कैरेज चलते हैं। कैरेज जो हम बोलते हैं, जिसपे हेड लगा होता है, वो असेंबली कैरेज असेंबली होती है, इस पर चलता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि अभी भी ये बहुत गंदा है, तो ऐसे क्लीन होनी चाहिए। इसको किसी भी अच्छे से कपड़े ले करके आप क्लीन कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करके चलाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये आपकी एक कैपिंग असेंबली है जो कि हेड को होल्ड करने के लिए होती है, और इसी के द्वारा क्लीनिंग होती है। इसमें नीचे से पाइपिंग असेंबली लगी है, और ये जस्ट इसके नीचे एक पर्ज यूनिट है जिसको पंपिंग असेंबली बोलते हैं, जिसका काम होता है कि हेड को शक करके और इंक को फ्लश करना। और हर एक थोड़े थोड़े दिन पे ये अपने आप से होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी मेरे समझ में छोटी मोटी जानकारियाँ थी, छोटी मोटी चीज़ें थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी जो कि खुद से सॉल्व हो सकता है, उसके बारे में आपको मैंने बताया। अगर इससे भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सर्विस सेंटर विजिट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते कि आप खुद से ट्राई करेंगे तो शायद कुछ और भी ख़राब हो सकता है। तो आप प्लीज़ घर पे इससे ज़्यादा ट्राई ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि प्रिंटर को जितना साफ रख पाएँ उतना अच्छा रहेगा। इंकजेट प्रिंटर बेसिकली सफाई चाहता है, सफाई जितना रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा चलेगा वो। हाँ दोस्तों, ये इस प्रिंटर का स्कैनर असेंबली है। आप जहाँ पे पेपर फेस डाउन करके रखते हैं और कॉपी करते हैं, तो ये स्कैनर असेंबली है। इसमें बेसिकली एक CCD लगी है, और CCD के साथ एक फ्लैट बेड केबल लगी है। इसको जितना ज़्यादा साफ़ रखेंगे आपकी, मतलब इस चीज़ की प्रॉब्लम बहुत कम आएगी कि कॉपी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत कम ही ख़राब होते हैं, और अगर होती भी है तो जस्ट ये फ्लैट बेड केबल होती है एक, जो कि प्रॉब्लम करता है। तो ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी, आप नीचे 4 स्क्रू हैं, आप इस स्क्रू को खोलकर इसको इजीली कवर उठा सकते हैं, कवर उठा करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत कम प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो चेंज ही करना पड़ेगा, या केबल हो या CCD हो। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रिंटर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, शायद आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई सुझाव है, अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं इस वीडियो के साथ ही, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।